नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के बारे में। सो दोस्तों जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक डेली का डिमांड जोन हमको मिला है और एक 125 मिनट का सप्लाई जोन यहां पे हमको मिला है। सो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं जो करंट प्राइस है स्टॉक की वो यहाँ पे है, ठीक है, 596.25 रुपए, ये अभी इसकी प्राइस चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस स्टॉक में आपको करना क्या है, अगर प्राइस ऊपर आती है तो यहां से शॉर्ट सेल कर लेना, ठीक है, डिमांड जोन तक, और अगर प्राइस नीचे आती है तो यहां से लॉन्ग बाय कर लेना सप्लाई जोन तक, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारी डिमांड है, जो हमारे बायर हैं उनकी संख्या ज्यादा है, यहां से यहां तक सारे बायर हैं, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक सारे सेलर हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो बायरों की संख्या ज्यादा है, सेलरों की संख्या कम है, तो सेलर बायरों को हरा नहीं सकते, जो ज्यादा होगा वही जीतेगा, जो कम होगा वो पिटेगा, ठीक है, ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है। अब यहां पे अगर प्राइस ऊपर आती है तो यहां पे एंट्री ले लेना शॉर्ट में, शॉर्ट सेल कर देना, ठीक है, 602.20 रुपए इस रेट पर आपको एंट्री लेनी है, ठीक है, और 608.25 रुपए यह आपको स्टॉप लॉस रखना है, और जो टारगेट है वो यहां से यहां तक का आप ले लेना। कहां तक लोगे आप लोगे 580 के रेट तक का टारगेट आप सेट करके चलना, ठीक है। अगर एक दिन में प्राइस इतना ट्रेवल करती है तो, ठीक है, तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट का बता दिया। अगर प्राइस ऊपर नहीं गई, सीधा नीचे चली, बोला गैप डाउन खुल गई और नीचे आ रही, नीचे आ रही, 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 आ रही है, तो आपको क्या करना है, फिर 577.85 रुपए के रेट पर एंट्री लेनी है, और 569, ठीक है, 569.70 रुपए के रेट पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, 65, 66, 67, 68, 69, तो 569.70 रुपए इस रेट पर आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है। बिना स्टॉप लॉस लगाए काम करोगे तो जरूर से ज्यादा नुकसान हो जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा, सिस्टम बिगड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। तो मैंने आपको बता दिया है, अब हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी को देख लेते हैं और निफ्टी 50 को देख लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जो भी कुछ बैंक निफ्टी में होता है वही निफ्टी 50 में भी होता है और वही बाकी के सभी स्टॉक्स में भी होता है, मतलब कि सारे स्टॉक, मतलब पूरा शेयर मार्केट बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पर ही डिपेंड है, उसी को फॉलो करके चलता है। तो हमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को भी देखना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगाते हैं कि बाकी के स्टॉक्स में प्राइस कहां जा सकती है, कहां से रिएक्ट कर सकती है, सप्लाई से, डिमांड से, बीच में से, साइडवे से, कहां से, तो उसके हिसाब से हमें हेल्प काफी ज्यादा मिलती है। तो यहां पे मैं आपको जो है पहले बैंक निफ्टी दिखा देता हूं। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी 125 मिनट के सप्लाई जोन से रिएक्ट कर रहा है, नीचे आ सकता है या फिर ऊपर भी जा सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो यहां पर क्या होगा, अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो दोस्तों फिर जो प्राइस है वो जो प्राइस है ना एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, वो प्राइस फिर यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो, ठीक है, यहां से यहां तक पहुंच जाएगी। ऐसे में आपको 602.20 रुपए के रेट पर शॉर्ट में एंट्री मिलेगी, ठीक है, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा देना 608.25 रुपए। अच्छा, शॉर्ट में एंट्री मिलेगी, फिर क्या होगा, जब बैंक निफ्टी गैप अप खुलेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाएगा फिर वहां से वो नीचे आएगा, तो जब गैप अप वो खुलेगा आपको शॉर्ट में एंट्री मिलेगी, हो सकता है प्राइस थोड़ा सा और ऊपर जाए, देन यहां से रिएक्ट करते हुए नीचे आएगी, आपको शॉर्ट में ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। अगर बैंक निफ्टी गैप अप नहीं खुलता और नीचे आता है तो हो सकता है ये प्राइस फिर यहां से नीचे आ जाए, वैसे काफी ज्यादा गैप है, हो सकता है ना भी आए यहां तक, एक दिन के अंदर अगले दिन आ जाए ये भी हो सकता है, बट अगर आ गई तो यहां से लॉन्ग का ट्रेड ले लेना,
ठीक है, और जितना भी मूव कैप्चर कर पाओ मार्केट के क्लोजिंग से पहले पहले, उतना मूव कैप्चर करके आप अपना प्रॉफिट जनरेट करना और अपना निकल जाना। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको डेली, मैंने आपको लॉन्ग की एंट्री भी बता दिया, शॉर्ट की एंट्री भी बता दिए है, और मैंने आपको जो है बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल से भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट वीडियो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक के ऊपर जो मैंने आप तक पहुंचाई है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, 24 घंटे में रिप्लाई दूंगा, मेरे चैनल से जुड़े रहो, क्योंकि यहां पे मैं इसी तरह से वीडियोस लाता रहता हूं और आपको बताता रहता हूं, ताकि आप ट्रेड में सक्सेसफुली एंट्री ले सको और अपना प्रॉफिट बुक कर सको। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।